पुणे के पास भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गिरफ्तार पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा पांचों आरोपी अभी चार हफ्ते और नजरबंद रहेंगे। भीमा कोरेगांव केस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा ये गिरफ्तारी राजनीतिक नहीं, राहत के लिए निचली अदालत जाएं आरोपी। तीसरे जज चंद्रचूड़ ने अलग राय जाहिर की। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश के आरोप में वरवरा गांव को हैदराबाद से, अरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्विस को मुंबई से, गौतम नवलखा को दिल्ली से और प्रोफेसर सुधा भारद्वाज को दिल्ली के पास फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर ये सभी अपने घरों में नजरबंद हैं। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि आरोपी पीएम की हत्या की साजिश रच रहे थे। नक्सल समर्थकों की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, मूर्खता के लिए सिर्फ एक जगह है कांग्रेस। भीमा कोरेगांव के फैसले के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को निर्लज कहा, बोले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ये राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं, क्या अब देश से माफी मांगेंगे राहुल। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने 53 साल पुराना कानून खत्म किया, अब हर उम्र की महिलाएं कर सकेंगी दर्शन। सबरीमाला मंदिर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म के पालन का मौलिक अधिकार पुरुष और महिला को एक समान, समाज को भी सोच बदलनी होगी। संवैधानिक बेंच की इकलौती महिला जज इंदु मल्होत्रा की फैसले से असहमति, कहा धर्म का पालन कैसे हो ये उसके अनुयायियों पर छोड़ा जाए। कभी सोनिया के विदेशी मूल के खिलाफ कांग्रेस छोड़ने वाले तारिक अनवर ने अब शरद पवार से किनारा किया, कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने एनसीपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तीन तलाक के अध्यादेश का विरोध करने वालों को हाईकोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। राफेल डील पर पीएम मोदी का बचाव करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान से नाराज होकर तारिक अनवर ने इस्तीफा दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है शरद पवार के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, राफेल सौदे की जांच जेपीसी से कराने की मांग पर कायम है एनसीपी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन का राफेल को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा राहुल जवाब सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम राफेल सौदे को बोफोर्स नहीं बनने देंगे। गुजरात में लगने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा चीन में बनने के राहुल के आरोप पर भड़कीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा राहुल गांधी में बचपना, भारतीय ही बना रहे हैं पटेल की प्रतिमा, पटेल का अपमान करना गांधी परिवार की आदत। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर पीएम मोदी जोधपुर में मिलिट्री स्टेशन से पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पराक्रम पर्व के मौके पर सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि जरूरत पड़ी तो सेना फिर ऐसी ही कार्रवाई के लिए तैयार है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में रीवा के पूर्व महाराजा पुष्पराज सिंह राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में लौटे, बेटा दिव्यराज सिंह बीजेपी से विधायक है, 2009 में लड़े थे समाजवादी पार्टी से चुनाव। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रीवा दौरे के दौरान शहर में लगा ये पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिस पर मोदी के पकौड़े बेचने वाले बयान पर चुटकी ली गई है। हरिद्वार से शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा मेरठ पहुंची, NH 58 पर हजारों किसानों का काफिला, ट्रैफिक डाइवर्ट, 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। देश भर में दवा दुकानों की हड़ताल का अच्छा खासा असर, दिल्ली में ज्यादातर मेडिकल स्टोर बंद, सिर्फ अस्पतालों के आसपास केमिस्ट शॉप और इमरजेंसी काउंटर खुले। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ बंद का लखनऊ में असर दिख रहा है, लखनऊ की लगभग 7000 दवा दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। FDI और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के विरोध में कारोबारियों के भारत बंद का रायपुर में दिखा असर, मुख्य बाजार की सभी दुकानों पर ताला लटका रहा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 24 विदेशियों सहित 110 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के रोहतांग टनल पहुंचा एबीपी न्यूज, बर्फबारी के बीच फंसे लोगों को इस टनल के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। बर्फबारी के बीच लाहौल स्पीति में फंसे करीब 1000 लोगों को सड़क के जरिए सेना के जवानों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, यहां सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल के कुल्लू में सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं सड़कें टूट जाने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार काफी सुस्त है। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान के नाती कुणाल पर लड़की से छेड़छाड़ का केस दर्ज,
होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अश्लील हरकत। पटना रेलवे स्टेशन पर ग्रिल से नीचे झांकते हुए एक बच्ची का सिर ग्रिल में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान ये घटना हुई। राजधानी दिल्ली में बुलंद है बदमाशों के हौसले। 27 तारीख को एक लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें सुबह के वक्त एक बाइक सवार बदमाश ने बहाने से एक स्कूटी सवार को रोका, फिर उसके दो साथी उसका सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गए। मुंबई के वर्सोवा में जिम में हुई गुंडागर्दी, नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 5 साल का एग्रीमेंट होने के बावजूद मालिक 2.5 साल में ही जिम खाली कराना चाहते हैं, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। बिहार में भोजपुर जिले के सोनवर्षा गांव में पूर्व बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि 12 फरवरी 2016 को बदमाशों ने विश्वेश्वर ओझा की हत्या कर दी थी। बिहार के जहानाबाद में 50,000 की रंगदारी न देने पर फल व्यवसायी और उसके भाई को गोली मार दी। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई की, दूसरा भागने में कामयाब रहा। बरेली में प्रेमी प्रेमिका को भीड़ ने तालिबानी सजा दी। अनुसूचित जाति के लड़के को दीवार से बांधकर पीटा, लड़की भी हर हाल में शादी करने पर अड़ी। मंदसौर में आंदोलनकारी छात्रों के पैर पकड़कर माफी मांगने वाले प्रोफेसर दिनेश गुप्ता को गांधीगिरी पड़ी महंगी, शिक्षक संघ ने संस्था से किया बेदखल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पंचायत बोर्ड गठन को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता ब्लॉक और जिला स्तर के नेताओं के साथ भिड़े। इस झड़प में 5 लोग घायल हो गए हैं। कर्नाटक के हासन के कोथनहल्ली में हाथी के बच्चे की कीचड़ में मौत। 2 दिन से हथनी माँ अपने बच्चे में प्राण फूंकने की कोशिश कर रही है, न गांव वालों को पास आने दिया न वन अधिकारियों को। यूपी के बांदा में काजीटोला गांव में मनरेगा की खुदाई के दौरान मजदूरों को कच्चे बर्तन में मिले 111 सिक्के। इन सिक्कों को सोने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुरातत्व विभाग के पास हैं ये सिक्के। मुंबई में लालबाग के राजा के चढ़ावे की नीलामी। गणपति की 1 किलो की मूर्त 35,75,000 रुपए में संजू भाई दोड़वाल ने ली। इस साल लालबाग के राजा के चढ़ावे की बोली 1,09,00,000 से ज्यादा की लगी, जो पिछले साल से 12,00,000 ज्यादा है। भारत के लिए आज शिखर धवन, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल वापसी करेंगे। ये सभी अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने सियोल में चल रहे कोरिया ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। साइना ने प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की किम गा उन को मात दी। वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मैरीकॉम को ट्राइब्स इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ट्राइब्स इंडिया आदिवासी मामलों के मंत्रालय की पहल है। पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन भारत पहुंचे, मुंबई में हुआ जबरदस्त स्वागत। टायसन मिक्स मार्शल आर्ट्स लीग कुमेते को लॉन्च करने आए हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पत्नी और पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के हम न्यूज चैनल को दिया पहला इंटरव्यू। पत्नी बुशरा बीबी ने शौहर इमरान की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना से की। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान को अब सिर्फ आईएमएफ से उम्मीद है। हालात का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंची आईएमएफ की टीम। पैसों की कमी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने 8 भैंसे बेचकर जुटाए 23,00,000 रुपए। पीएम आवास में रखी गई भैंसे बेची। चीन में क्यांटांग नदी पर सर्फिंग के लिए जुटे कई देशों के प्रतियोगी, हजारों दर्शक भी देखने पहुंचे। बिग बॉस के घर में हुई प्यार की बरसात, शो में जसलीन का अनूप जलोटा के लिए प्यार दिखा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।